हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह आपके सामने, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका अनअकैडमी के ग्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा जो NTUGC नेट की तरफ से है। तो इस छोटे से सेशन में दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो नया नोटिफिकेशन आपके लिए क्या जारी हुआ है, और दूसरा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना आप लोगों से कि NTUGC नेट की तरफ से आपके लिए क्या पहल की जा रही है। जिन लोगों का टेक्निकल इश्यूज की वजह से एग्जाम छूटा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमारा टेक्निकल इश्यूज की वजह से एग्जाम छूटा है, तो क्या हमारा जो एग्जाम है वो दोबारा होना चाहिए या फिर हम दोबारा इसके लिए पहल कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी, और NTA का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी कुछ सहायक होगा, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डिटेल में ये नोटिफिकेशन कहना क्या चाहता है, मे बी कि स्क्रीन बहुत आपको विजिबल ना हो तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि 26 नवंबर को, एक तो देखिए नोटिफिकेशन आपके लिए आया है, और कन्नड़ के मैं सब्जेक्ट के यहाँ पर बात कर रही हूँ, और स्पेसिफिकली कन्नड़ के एग्जाम को लेकर NTUGC नेट ने ये कहा है कि क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था, तो जिसकी वजह से CBT मोड में, आपको पता है कि पेपर हमारे होते हैं NTUGC नेट के, तो टेक्निकल इशूज की वजह से पेपर जो है हम दोबारा कराएंगे, जो दिसंबर 2020 का है और जून 2021 का जो साइकिल है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं अभी सिर्फ कन्नड़ सब्जेक्ट की ही बात कर रही हूँ। अगले स्क्रीन पे जब आपको ले चलूंगी तो बताऊंगी कि आपको अपने पेपर को, जिनका टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया है, और क्या कारण रहा है पीछे, और आप उसके लिए क्या पहल कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप जानकारी ले पाएंगे। तो देखिए कि इसके लिए तो कन्नड़ का जो पेपर है वही आपका भी फिलहाल में कैंसिल हुआ है। उसकी डेट कब तक आएगी इसके बारे में NTA ने कुछ कहा नहीं है, पर ये हम कह सकते हैं कि जिस तेजी से एग्जाम बार बार शेड्यूल रीशेड्यूल अपडेशंस हो रही हैं, तो वो खुद भी NTA के लिए समस्या की परेशानी है, और उससे ज्यादा समस्या की परेशानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिस पेपर में अपियर हो रहे हैं। तो NTA ने कहा है कि एडमिट कार्ड्स का जो भी शेड्यूल होगा उसको जल्दी ही हम लोग अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर भी आप जाकर जो है मेल वगैरह कर पता कर सकते हैं, और ये NTUGC नेट का फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है, तो वहां से भी आप जो है जानकारी ले सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा सजेशन, या कहें कि मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम जिनका पेपर टेक्निकल इश्यूज की वजह से छूटा है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए कि वैसे तो NTUGC नेट को पूरी तरीके से उन सभी बच्चों के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है जिनका किसी भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या किसी भी कारण से पेपर छूटा है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि एक तो आपने 17 महीने बाद देखिए पेपर करवाया है, ऑलमोस्ट 70 मंथ्स बाद की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 15 लाख से ज़्यादा, ये NTA ने खुद बात कबूली है कि 15 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस पेपर में डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ अगर हम कहें तो अपीयर हुए हैं, बट रियलिटी में अगर मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि ये एक शिफ्ट में हर साल इतने बच्चे इतने हाई अमाउंट में अपीयर होते हैं, पर ऐसा अगर NTA कह रहे हैं कि सिर्फ 15 लाख बच्चे ही अपीयर हो पाए हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ऐसा हुआ है कि या तो बच्चों ने पेपर नहीं दिया है या तो लोग अपीयर नहीं हुए हैं, तो ये थोड़ा सा NTA को भी आपको एक छूट देने की बहुत ज़रूरत है कि या तो कट ऑफ नीचे जाए, और अगर कट ऑफ नीचे नहीं जाती है तो कम से कम उन बच्चों के ऊपर गौर किया जाए जिनका टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेपर जो छूटा है वो उसको दोबारा रीअपियर कर पाए। क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद पहले तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन पेपर करवाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर छूटने की वजह से या तो आपका पूरा 1 साल नुकसान हो सकता है, जो लोग इस बार नेट JRF के बीच में फाइट कर रहे थे उनका JRF का एज जो है या तो वो खत्म हो जाएगा, या फिर 1 साल में चीजें बहुत बदल जाती हैं। हम यहाँ पर पूरे साल बैठकर एक एग्जाम का वेट करते हैं, फिर वो 17-18 महीने बाद होता है, यानी कि 17-18 महीने तो नवंबर अक्टूबर में ही खत्म हो गए थे। मोर ओवर 2 साल जो हैं होने वाले हैं हमारे, 2 से 17 महीने से ज्यादा ही हम कह सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मायने रखता है, और अभी कोई अतिरिक्त नोटिफिकेशन NTA ने जारी नहीं किया है कि जो नेक्स्ट पेपर है जून का वो किस तरीके से होगा, या जो 2021 दिसंबर का पेपर उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए जवाबदेही तो इंस्टीट्यूशन की बनती है, और इस जवाबदेही में ज्यादा चीजें बेहतर तब हो सकती हैं जब एक आप लोग भी एक अच्छी पहल के साथ आगे बढ़े। मेरी पहल से मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोगों को अपने लेवल पर NTA को मेल करने की बहुत जरूरत है, फोन कॉल्स करने की बहुत जरूरत है। ये एक कहना अलग बात है कि क्या मेरे फोन कॉल कर देने से चीजें बदल जाएंगी, तो
तो देखिए, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, पेपर आपका छोटा है, टेक्निकल फॉल्ट आपके पेपर में आया, तो इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी है नहीं हमारे पास। तो अगर आप लोग धीरे धीरे अगर इस चीज को, इनिशिएटिव को लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास हो जाए बच्चों का, जो लोग इस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं या परेशान हैं। एक तो 17-18 महीने बाद पेपर लेते हैं, ऊपर से सेंटर को भी आप लोग अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर देते हैं। बच्चों ने बताया भी कि टेक्निकल फॉल्ट ही नहीं, कई बार सिस्टम चलते चलते बंद हुआ है, फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हमें शिफ्ट किया गया है, फिर उस सिस्टम को हमने चलाने में 15 से 20 मिनट अपने जो है वेस्ट किए हैं। तो एक पर्टिकुलर 3 घंटे के अमाउंट में, एक तो लेंदी पेपर आप लोग देते हैं, इतने लेंदी पेपर में जहां अगर आप 2 मिनट भी कायदे से अगर एक सवाल पर लगाते हैं, तो ये हमारे लिए कम अमाउंट होती है, क्योंकि आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ क्वेश्चंस दे रहे हैं जहां पर बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। कई बच्चों के पर्टिकुलर सेंटर्स जो उन्होंने फॉर्म में डाले थे, उससे 100-200 मीटर की दूरी पर उनके सेंटर दिए गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। और आखिरकार कुल मिलाकर ये हमारे भविष्य की बात है, एग्जाम कराना एक अलग बात है, कंडक्ट करवाना एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हर चीज के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो इट्स अ टोटली माई हम्बल सबमिशन, और आप कह सकते हैं कि मेरा अपना ये ओपिनियन है कि आप लोग अगर अपने लेवल पर अगर एनटीए को मेल डालते हैं और 2-4 लाइनें लिखने में आपका जाता भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो कम से कम आप कोशिश पहल कर सकते हैं। और इस पहल में हो सकता है कि एक छोटी सी शुरुआत काफी सारे बच्चों को ये फायदा दे जाए, जिनका मे बी की लास्ट अटेम्प्ट रहा हो जेआरएफ के लिए, या फिर मे बी कि वो लोग पहली बार पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको दूसरे चांस की नीड रही हो। और ये हम एक पहल कर सकते हैं, और आप ये ना सोचे कि मेरे कहने से मेरे करने से क्या होता है, एक अच्छी कोशिश आपको एक अच्छे जो है रास्ते को दिखा सकती है, और पहल करना ही किसी भी चीज का एक सोल्यूशन होता है। आपको बैठे बिठाए सब कुछ नहीं मिलता है, हम कह सकते हैं कि सिर्फ भारत की खासियत नहीं है, इस पूरे देश में, इस पूरी दुनिया में, कि आपको मानना पड़ेगा कि इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ता है हर चीज के लिए। और एक इनिशिएटिव आपको और लेने की बहुत जरूरत है कि कम से कम सरकार ये कोशिश करे कि चुनावी जो बातें हैं उनसे ऊपर उठकर कम से कम जॉब वैकेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत सोचे। सिर्फ ऐसा ना हो कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जॉब वैकेंसीज के नाम पर जॉब्स निकाल दी जाती है, फिर भर्तियां की नहीं जाती हैं, और ये बहुत बड़ी बात चीजें हैं, और यूथ को इसको समझने की बहुत जरूरत है। और आपका परसेप्शन, आपके ओपिनियंस चीजों को बदल सकते हैं, अगर आप एक अच्छा पहल लेने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा चांस, एक अच्छा चेंज आपके लिए तभी आ सकता है अगर आप सिस्टम के साथ मिलकर सिस्टम के लिए काम करें, और जिस सिस्टम में आप रह रहे हो सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो है आपका अनअकैडमी ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। पेपर वन की क्लास रोज होती है 10:30 इन द मॉर्निंग, करंट अफेयर की, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। पेपर टू की क्लास हिस्ट्री में ले रही हूँ यहाँ पे रोज 12 बजे, और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप सारे क्लासेस की पीडीएफ को ले पाएंगे, और यहाँ से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मोर ओवर 500 स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। आइकॉनिक प्लस ब्रॉड कॉन्सेप्ट अपने आप में, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, स्ट्रक्चर प्लानिंग सब कुछ मिल जाता है। इसके साथ ये कोड है मेरा SRS10 का, इस कोड के साथ आप एप्लीकेबल कर सकते हैं मेरे कोड को 24 महीने तक, 6 से लेकर 24, 3 से लेकर 12 महीने तक, प्लस आइकॉनिक दोनों कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। और सबसे खास बात है इस कोड की कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पढ़ाया हुआ कंटेंट यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। रही बात सिलेक्शन की गारंटी की, तो वहाँ पर थोड़ी सी पहल आपको भी करनी पड़ेगी, हम भी कर रहे हैं, तो वाइस वर्सा चीजें मिलकर ही आगे बढ़ पाती हैं, जहाँ पर लाइव टेस्ट स्ट्रक्चर प्लानिंग आपको दिया जाता है। कोई अगर आप पर डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है आपको आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म आपको मिल जाएगा। और स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ पे नहीं करना पड़ता है। टेलीग्राम चैनल से या कॉमेंट बॉक्स से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपकमिंग सेशंस काफी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो पेपर वन पेपर टू को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिकॉर्डेड ही अगर देख लेते हैं तो काफी आपको पेपर वन पेपर टू क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ लेने के लिए। यहाँ पर लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कॉमर्स के बैचेस चल रहे हैं, और 10% का डिस्काउंट यहाँ पर एप्लीकेबल है मेरे कोड के साथ, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सेशन में मेरी बात यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि जो बात और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, उस इन्फॉर्मेशन में आप एक अच्छी पहल करेंगे, ताकि कि आपके साथ साथ इस देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।